नीतीश कुमार आज शाम 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि उनके साथ एनडीए गठबंधन दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ने इसकी पुष्टि की है। अनुमान है कि सबसे ज्यादा विधायकों के नाते बीजेपी के मंत्री ज्यादा होंगे। एनडीए को 125 सीटें मिली हैं और बिहार के 243 सदस्यों का 15% यानी 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को 60% मंत्री पद यानी 20 से 21 मंत्री मिल सकते हैं। जेडीयू के खाते में 11 से 12 मंत्री हो सकते हैं। वीआईपी और हम से एक एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल 125 सीटों में 36 मंत्री पद के हिसाब से एक मंत्री बनाने के लिए 3.5 विधायक चाहिए। आज 8 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में आज 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच राजभवन में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले कल नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर एनडीए की ओर से सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि आज नीतीश के साथ और कौन कौन शपथ लेगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। बिहार में पहली बार एक साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ताजकिशोर प्रसाद के साथ साथ रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कटिहार से बीजेपी विधायक ताजकिशोर प्रसाद ने आज तक पर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की शुभकामना स्वीकार करके जता दिया कि वो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। ताजकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं और कटिहार से लगातार 4थी बार विधायक चुने गए हैं। रेणु देवी 4 बार बेतिया से बीजेपी विधायक रह चुकी हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी स्पीकर पद के लिए दबाव बना सकती है। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है, सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं और काम करना तो हमारा पार्टी में हम लोग को सेवा करना, काम करना है तो हमारा भाजपा का कल्चर। कल सुबह से ही डिप्टी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना रहा। खबर आई कि सुशील मोदी ही बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन बाद में ट्वीट किया जिससे साफ हो गया कि उनका पत्ता कट चुका है। सुशील मोदी ने लिखा कि आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा कि आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के लिए कांग्रेस बड़ी बाधा बन गई है। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवार उतारे जबकि 70 जनसभा तक नहीं की। राहुल गांधी 3 दिन के लिए, लेकिन प्रियंका 1 दिन भी नहीं आई। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कोशिश सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की होती है, लेकिन अधिक सीट जीतने में नाकाम रहती है। ये ठीक नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट माने लड़ें। अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। राहुल को लेकर वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में जब चुनाव था उस वक्त राहुल शिमला में प्रियंका के घर पर पिकनिक मना रहे। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, 1 दिन में 2 सभाएं की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, मगर हालात अब भी चिंताजनक है। बात अगर 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की हो तो 24 घंटे में देश में 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 447 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है, जबकि 24 घंटे में ही 42,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। देश में 88,00,000 से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना हो चुका है, जबकि इनमें से 82,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे में 7,340 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से दिल्ली में 96 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अब तक 4,82,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, जिनमें से 4,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं।
कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 7,519 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बढ़ती कोरोना की रफ्तार के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल भी मौजूद थे। इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट में दोगुना बढ़ोतरी की जाएगी। मई में बनाए गए धौलाकुआं स्थित डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में 250 से 300 आईसीयू बेड और शामिल किए जाएंगे, जिससे कि गंभीर कोविड रोगियों का वहां इलाज किया जा सके। ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेडों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छतरपुर के 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर को और सशक्त किया जाएगा। कोरोना काल में आज से महाराष्ट्र के सभी धर्मस्थल खुल गए। धर्मस्थलों को खोलने से पहले उद्धव सरकार ने कोरोना से जुड़े नियम बनाए हैं, जिनका सख्ती से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि मार्च के बाद से महाराष्ट्र के मंदिर बंद थे। बंद मंदिरों के खिलाफ बीजेपी और हिंदू दलों ने उद्धव सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया, जिसके बाद अब मंदिर खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारधाम पहुंचे। उन्होंने यहां केदारनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और केदारधाम का भ्रमण किया। आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट शीतकालीन समय में आज बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के बाद सीएम योगी बद्रीनाथ धाम भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद वो यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट भी बंद हो रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 47,000 रुपए से ज्यादा की रकम भी जब्त की है। पुलिस ने कुल 11 मामले दर्ज किए हैं, साथ ही जुआ खेलने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। यूपी के शामली में दरोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस एक घर में कुर्की का नोटिस चिपकाने गई थी, मगर आरोप है कि दरोगा ने घर के मालिक से 10,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आरोपों के मुताबिक इसी तनाव में घर के मालिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के बीड में भयानक हत्या का मामला सामने आया है। नेकनूर पुलिस थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका पर एसिड फेंका और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला 25% से ज्यादा जल गई। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। यूपी के फरुखाबाद में दबंगों को न पुलिस का डर है न कानून का। ऐसा ही एक मामला फरुखाबाद के जहानगंज क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक सब्जी विक्रेता के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने सब्जी विक्रेता को रास्ते में रोका और उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। इस पर भी उसका मन नहीं भरा तो उन्होंने सब्जी विक्रेता को जमकर पीटा। सब्जी विक्रेता की हालत नाजुक है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दूसरे की तलाश में जुटी है। बिहार शरीफ के बिहार थाना इलाके में भयानक हादसा हुआ है। यहां अवैध रसोई गैस रिफिलिंग से सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाके की वजह से आग लगी और आग ने दो मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दोनों घरों का लाखों का सामान खाक हो गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। आरोपों के मुताबिक एक शख्स को लोगों ने पीर बाबा दरगाह की दान पेटी से पैसा चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने आरोपी को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा और उसके बाल काट दिए। इतना ही नहीं, आरोपी पर ठंडा पानी डालकर उसे पीटा गया। हालांकि हैवानों की तरह पीट रहे लोगों से आरोपी ने माफी मांगी और छोड़ने की गुहार लगाई, मगर पीटने वाले उसे हैवानों की तरह पीटते रहे। मध्य प्रदेश के पन्ना से भी पिटाई की खबर आई है। आरोपों के मुताबिक पन्ना के
जसवंतपुरा में दिवाली के दिन चोर एक घर में चोरी के लिए घुसे थे, मगर ऐन वक्त पर घरवाले जग गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर चोरों ने भागने की कोशिश की, मगर गांव वालों की मदद से चोरों को पकड़ लिया गया। गांव वालों ने दोनों आरोपियों को बांधकर जमकर पीटा। अब आरोपियों की पिटाई का वीडियो वायरल है। हालांकि पिटाई के बाद गांव वालों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में मुंगेली जिले में महिला जज ने खुदकुशी कर ली, वजह का पता नहीं चल पाया है। मुंगेली जिला सत्र न्यायालय मुंगेली की जज श्रीमती कांता मार्टिन की फंदे पर लटकी लाश मिली। महिला जज अकेले ही रहती थी, उनके डिप्रेशन में होने की बात कही जा रही है। मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। कानपुर में रेप की कोशिश के दौरान 6 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के फोटो भी जारी किए हैं और कहा है कि उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों चिप्स देने के बहाने बच्ची को साथ ले गए। उधर बच्ची के घर वालों ने सनसनीखेज खुलासा किया। उनका कहना है कि कत्ल का मामला नहीं है, बल्कि बच्ची की दिवाली की रात बलि दी गई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की सड़कों पर ट्रंप और बाइडेन के समर्थक भिड़ गए। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर ट्रंप समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा को रोकने के लिए रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद करने का ऐलान किया गया। आसियान के 10 सदस्य देशों ने हनोई में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, समझौते में भारत के लिए द्वार हमेशा खुले हैं। बाजार खोलने की अनिवार्यता की वजह से भारत इस समझौते से बाहर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने नए कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण बंद करने की अपील की। ग्रीन एनर्जी में निवेश और कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए पूर्वी एशियाई देशों से भी आह्वान किया। दुनिया में कोरोना केस में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मामले बढ़कर 5,45,00,000 से अधिक हो गए हैं। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,20,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में अब तक 4 करोड़ लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। ब्राजील में एक दिन में करीब 28,000 नए मामलों के साथ 900 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ब्राजील में अब तक 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन कंपाउंड ड्रग बनाया है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के शरीर में क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं को फिर से तैयार करेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी पूरी तरह सक्षम है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रोज लोपेज ओब्राडोर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हजारों घर बाढ़ में तबाह हो गए। खाड़ी के इलाकों में 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। दुनिया की सबसे लंबी कृत्रिम नहर ग्रैंड कैनाल में सफाई अभियान का काम पूरा होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दौरा किया। सफाई के बाद ग्रैंड कैनाल की सुंदरता बढ़ गई है। जिनपिंग ने भी सैलानियों के साथ खूबसूरत ग्रैंड कैनाल का दीदार किया। कोरोना काल में इजराइल के एन बोकेक में क्रिसमस से पहले नए अंदाज में सेंटा दिखा। डेड सी में सेंटा ने खास तरीके से तैराकी की। सेंटा ने क्रिसमस ट्री लगाकर संकट के समय उम्मीद बरकरार रखने का संदेश दिया। डेड सी में समुद्री प्राणियों और पौधों के जीवन की संभावनाएं नहीं होती हैं।